धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सावधान धौलपुर, धौलपुर में फूटा कोरोना बम, 23 लोग निकले पॉजिटिव। धौलपुर जिले वासियों के लिए बड़ी और चिंताजनक तथा सतर्क रहने वाली खबर है। शुक्रवार को धौलपुर जिले में कोरोना का बम फूटा है। देर शाम आई सूची में धौलपुर जिले के 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें धौलपुर शहर, वाड़ी शहर एवं पसेड़ी के लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि गुरुवार तक धौलपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 14 थी, वहीं 23 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए अब धौलपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेत्रा मीणा से मिली जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले में शुक्रवार देर शाम आई कोरोना जांच रिपोर्ट में जवाहर नगर कॉलोनी धौलपुर से एक पुरुष एवं एक महिला, पुराना शहर धौलपुर से एक महिला, जिरौली धौलपुर का एक पुरुष, जिला अस्पताल धौलपुर की एक महिला, आसियाना कॉलोनी धौलपुर की एक महिला, RTO ऑफिस धौलपुर का एक पुरुष, किलेदार कवाड़ा की एक महिला, मालोनी पवार का एक पुरुष, बाड़ी अस्पताल के दो चिकित्सक सहित एक अन्य स्टाफ, मलकपाड़ा बाड़ी का एक पुरुष, अवस्थी कॉलोनी बाड़ी का एक पुरुष, वदौरिया पाड़ा बाड़ी का एक पुरुष, संत नगर रोड बाड़ी का एक पुरुष, गुम्मट बाड़ी का एक पुरुष, महाराज बाग बाड़ी की एक महिला, नयावास बसेड़ी का एक पुरुष, शंकरपुरा बसेड़ी का एक पुरुष, मूड़िक बसेड़ी का एक पुरुष, CHC बसेड़ी का एक पुरुष, तिमासिया बसेड़ी का एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले फर्स्ट ट्रैक ने कोरोना रिपोर्ट को लेकर ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन जारी किया था, जिसमें भूलवश SDH के स्थान पर SDM बोल दिया गया था, जिसे SDH पढ़ा जाए, यानी कि वाड़ी अस्पताल, जिसमें दो डॉक्टर सहित 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वाड़ी के SDM ऑफिस में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। शुक्रवार को धौलपुर जिले में एक साथ बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है, इसलिए धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक धौलपुर जिले वासियों से अपील करता है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाएं और पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। ऑनलाइन लूडो खेलते हुए पाकिस्तानी युवक से हुआ धौलपुर की महिला को प्यार, 2 साल के बच्चे को छोड़ पाकिस्तान जाने निकली विवाहिता, अमृतसर पुलिस ने पकड़ा। धौलपुर जिले से पाकिस्तान के लिए निकली एक विवाहिता को अमृतसर पुलिस ने जलियावाला बाग इलाके में पकड़कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। ऑनलाइन लूडो के जरिए पाकिस्तान के युवक अली से दोस्ती होने के बाद महिला उससे मिलने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए घर से निकल गई, जहां पाकिस्तान पहुंचने से पहले अमृतसर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। धौलपुर जिले के सैंपऊ कस्बे की रहने वाली विवाहिता को पकड़ने के बाद अमृतसर पुलिस ने उसके ससुराल पक्ष के लोगों को सूचना दी। अमृतसर पहुंचे ससुराल पक्ष के लोगों को पुलिस ने विवाहिता को उनके सुपुर्द कर दिया। अमृतसर पुलिस को दिए गए बयान में विवाहिता ने बताया कि 6 महीने पहले ऑनलाइन वीडियो खेलते हुए उसकी दोस्ती पाकिस्तान के रहने वाले युवक अली से हो गई, जिसके बाद चैटिंग के दौरान दोनों में व्हाट्सएप से बात होने लगी। पाकिस्तानी युवक ने महिला को मिलने के लिए अटारी बॉर्डर पर बुला लिया। पाकिस्तानी युवक ने महिला से कहा कि वह किसी तरह अटारी बॉर्डर तक पहुंच जाए, जहां से उसका दोस्त उसे पाकिस्तान ले आएगा। इसके बाद महिला अपने 2 साल के बच्चों को घर पर छोड़कर पाकिस्तान के लिए निकल गई, जहाँ जलियावाला बाग पर पहुंचकर महिला अटारी जाने के लिए टेम्पो ढूंढने लगी। इसी बीच अमृतसर पुलिस ने उसे संदिग्ध मानकर पकड़ लिया, जहां पूछताछ में महिला ने ऑनलाइन दोस्ती के बाद पाकिस्तानी युवक से मिलने की इच्छा जाहिर की। महिला की इच्छा को सुनकर अमृतसर पुलिस ने उसके ससुराल पक्ष को बुलाकर महिला को उनके सुपुर्द कर दिया, जहां से ससुराल पक्ष के लोग महिला को लेकर रवाना हो गए। ससुराल पक्ष के लोगों ने नहीं कराया कोई मामला दर्ज। सैपऊ थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि महिला उनके क्षेत्र की रहने वाली है, जो अपने 2 साल के बच्चे को छोड़कर 2 दिन पूर्व घर से निकल गई। बुधवार को घर से निकलने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी तलाश की। इसी बीच गुरुवार को अमृतसर पुलिस से महिला के अमृतसर होने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजन उसे लेने अमृतसर पहुँच गए। जिला अस्पताल धौलपुर में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का हुआ शुभारंभ।
मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह तथा नवीन महिला वृद्धजन आईसीयू का हुआ शिलान्यास। विधायक और जिला कलेक्टर ने एम्बुलेंस और लोडर वाहनों को दिखाई हरी झंडी। धौलपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के शुद्धिकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा है, जिससे न केवल आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया होंगी बल्कि कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से लड़ाई में मदद मिलेगी। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला अस्पताल धौलपुर में मुख्यमंत्री नवाचार योजना के अंतर्गत मरीजों परिजनों के लिए विश्राम गृह का शिलान्यास, नवीन महिला वृद्धजन आईसीयू का शिलान्यास, नवीन आधुनिक 10 बेडेड आईसीयू का उद्घाटन, नवीन ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन, नवीनतम बच्चों की आईसीयू का शिलान्यास, मथुरा रिफाइनरी द्वारा CMR फंड से नवीनतम ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन सहित करीब आधा दर्जन से अधिक कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं SP शिवराज मीणा ने किया। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि जिला अस्पताल में NHM के सहयोग से स्थापित इस ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट से करीब 63 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन प्राप्त होगी, जिससे जिला ऑक्सीजन उपलब्धता के क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने बताया कि जिले में उप जिला अस्पताल बाड़ी, CSC मनिया, राजाखेड़ा में भी ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से कोविड के अतिरिक्त अन्य मरीजों को भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय में 400 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता है, जिससे मरीजों को बेड पर ही ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ऑक्सीजन के लिए बाहर से आपूर्ति सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। धौलपुर पहला जिला है जहां भविष्य में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए 100 बीघा भूमि का आवंटन हुआ है। संभवतः 1 अक्टूबर-1 नवंबर में यहाँ कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान SP शिवराज मीणा ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन के साथ सामूहिक प्रयास से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर समरवीर सिंह ने अस्पताल के सुविधाओं के बारे में बताया तथा धन्यवाद ज्ञापित किया। एम्बुलेंस और लोडर को दिखाई हरी झंडी। असमित जिला कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा CMR के तहत जिला अस्पताल को तकनीकी सुविधाओं से युक्त एक एम्बुलेंस तथा लोडर वाहन को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं विधायक रोहित बोरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर ने मरीजों को किया जागरूक। जिला कलेक्टर तथा जिला पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल परिसर में मरीजों तथा उनके परिजनों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना, साथ ही कोविड से संभावित तीसरी लहर के बारे में मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशान चौधरी, पूर्व प्रधान मोनू जादव, आयुक्त नगर परिषद लजपाल सिंह, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतरा मीणा सहित अस्पताल के चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। सबसे पहले तो मैं सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का धन्यवाद देता हूँ कि उनने आज हमारे यहाँ एक नई एम्बुलेंस दी जो पूरी तरह से सुसज्जित है, जिसमें कि वेंटिलेटर वगैरह सब हैं, जिससे कि धौलपुर की जनता को बहुत आराम रहेगा। कोई भी सीरियस मरीज होगा उसको वेंटिलेटर के थ्रू हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा तोहफा दिया। एक मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ रुपए धौलपुर जिला अस्पताल को दिए, जिसमें टर्नकी पर एक नया ICU छोटे बच्चों के लिए और जो गर्भवती माताएं हैं जो बीमार हो जाती हैं, जिनको आगरा और ग्वालियर शिफ्ट करना पड़ता था, उन लोगों के लिए नया ICU यहाँ बनके तैयार हो गया। उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और एक नया ऑक्सीजन प्लांट, तो अब हमारे पास धौलपुर अस्पताल में 265 बेड्स की कैपेसिटी हो गई है नए ऑक्सीजन प्लांट से, जिससे कि हम यहाँ पर जो थर्ड वेव आ रही है उस पर ओमिक्रॉन में हम लोगों का अच्छी तरह से इलाज कर सकेंगे। राम राम। पैंथर सहित 4 जंगली जानवरों की करंट की चपेट में आने से मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी रोड स्थित वन विभाग के क्षेत्र में पैंथर सहित 4 जंगली जानवरों की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों सहित SDM और चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची, जहां प्रशासन की मौजूदगी में पैंथर सहित 4 मृतक जानवरों का पोस्टमार्टम कराया गया। वन विभाग के रेंजर रणवीर सिंह ने बताया कि वसईडांग थाना क्षेत्र स्थित 8 मील के पास गश्त कर रही टीम को चरवाहों ने आकर सूचना दी कि जंगल में विद्युत पोल के पास पैंथर सहित 4 जानवर मृत पड़े हुए हैं।
जिस पर जंगल में पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर एक पैंथर, दो शावक और एक सियार मृत हालत में मिला, जिसकी सूचना वन विभाग कर्मियों ने प्रशासन के साथ पुलिस को भी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज की देखरेख में पशु चिकित्सकों की टीम को धौलपुर से 8 मील बुलाया गया, जहां चारों जानवरों की मौत प्रथम दृष्टया करंट की चपेट में आने से होने की पुष्टि हुई है। रेंजर रणवीर सिंह ने बताया कि मृतक जानवरों की मौत के कारणों की पुष्टि करने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले को लेकर जांच जारी है। वन अधिकारी बॉर्डर गार्ड के साथ अपना वन विहार में गश्त के दौरान मुखबर द्वारा सूचना मिली कि 8 मील के पास एक पैंथर मरा हुआ रहा है, तो यहाँ मौके पर देखा, पैंथर 2 बच्चे एक सियार खत्म है, उसकी सूचना मैंने एनएल डीएफ को दी। सवाई माधव हमने सभी एसपी कलेक्टर को लेटर लिखा। किस तरह का मामला आ रहा है, किस तरह से मौत हुई है देखी जा रही है? लाइट से करंट से और भी हुआ है। सरे बाजार गुंडई, उधार मोबाइल नहीं दिया तो तोड़ा दुकान का शीशा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के जगदीश तिराहे पर शुक्रवार को दिन दहाड़े सरे बाजार गुंडागर्दी करने का मामला प्रकाश में आया है, जब मोबाइल की दुकान के संचालक ने एक युवक को उधार मोबाइल देने से मना कर दिया तो आरोपी ने पत्थर से उसके दुकान का शीशा तोड़ दिया और दुकान संचालक के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। शीशा टूटने से दुकान संचालक का हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। मामला यूं है कि जगदीश तिराहा धौलपुर पर सौरभ गोयल नाम का युवक वैष्णवी मोबाइल सेंटर के नाम से मोबाइल की दुकान करता है। यहां शुक्रवार दोपहर सरवन डोयला निवासी भोगीराम कॉलोनी धौलपुर आया और उसने उधार मोबाइल मांगा, जिस पर दुकान संचालक ने उधार मोबाइल देने से मना कर दिया, जिस पर आरोपी ने गाली गलौज की और अभद्रता करते हुए पत्थर से दुकान का शीशा तोड़ दिया, जिससे दुकान संचालक का हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही दुकान संचालक के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। जाते जाते आरोपी दुकान संचालक को दुकान बंद कराने की धमकी देकर मौके से भाग गया। घटना को लेकर पीड़ित सौरभ गोयल ने कोतवाली थाना पुलिस को लिखित में तहरीर दी गई है, जिसमें आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेरा नाम सौरभ गोयल है, मेरी शॉप वैष्णवी मोबाइल के नाम से जगदीश ड्राइवर जगदीश होटल के नीचे स्थित है। आज 7 तारीख को सरवन डोला नाम का भोगीराम कॉलोनी का एक गुजर का लड़का मेरी दुकान पे आके और मुझसे बोलता है कि उधार मोबाइल दे दे। मैंने मना करने पर वो ज़बरदस्ती करने लगा और दुकान तोड़ने की धमकी देने लगा। मैंने दुकान मोबाइल ना दिया तो उसने मेरी दुकान पर पत्थर से दुकान को तोड़ दिया और मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। धौलपुर जिले में पहली बार प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर खरीदे घर की जरूरत का सामान, वो भी एक ही छत के नीचे, उच्च क्वालिटी और अच्छी कंपनी का सामान, सामान की क्वालिटी 100% गारंटी। हमारे यहाँ दाल चावल मसाले ड्राई फ्रूट कॉस्मेटिक आइसक्रीम चॉकलेट पनीर मक्खन आदि सभी प्रकार का घर का जरूरत का सामान प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर मिलता है। शादी विवाह आदि कार्यक्रम का सामान खरीदने पर कीमतों में विशेष छूट, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे श्री रतन डिपार्टमेंटल किराना एवं जनरल स्टोर, पता टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने विकी बाबू की कोठी के पास, हलवाई खाना धौलपुर। नववर्ष व मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में विला खरीदने पर शानदार ऑफर, 3 BHK स्वतंत्र विला खरीद पर कीमत में विशेष छूट, तो जल्द कीजिए और बनिए जयपुर में 3 बेड के पश्चिम मुखी स्वतंत्र मकान के मालिक, जिसमें छत भी होगी आपकी। नारायण विहार मेट्रो स्टेशन के पास मानसरोवर जयपुर। विला में मॉड्यूलर किचन, LED टीवी पैनल, अलमारी, ड्रेसिंग, गीजर, पंखे, चिमनी, एडजस्ट, शानदार और सुंदर फर्नीचर एवं 4 पहिया तथा 2 पहिया वाहन के लिए पार्किंग की विशेष सुविधा, सेपरेट JDA पट्टा, आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा, 30 फुट रोड, बिजली व पानी की सुविधा। ऑफर सीमित समय के लिए, शीघ्र संपर्क करें 9314168579। बार एसोसिएशन बाड़ी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न, जिला न्यायाधीश सहित जिले भर के अधिकतम न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। 6 जनवरी की शाम को बार एसोसिएशन बाड़ी का शपथ ग्रहण समारोह बच्चन पैलेस बाड़ी में संपन्न हुआ।
जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल मुख्य अतिथि रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी सलीम बदर, MACD जज धौलपुर सैयद जाकिर हुसैन, फैमिली जज धौलपुर रमाकांत, पॉस्को कोर्ट धौलपुर मधुसूदन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर अनिल कुमार शर्मा, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, CJM धौलपुर नरेंद्र मीणा एवं न्यायिक अधिकारी गढ़, ACJM संख्या 1 बाड़ी सिका सिंगल, ACJM संख्या 2 बाड़ी नीरज कुमार मित्तल, ACJM संख्या 3 बाड़ी अजय कुमार शर्मा, MJM बाड़ी ललित मीणा, MJM बसेड़ी सोनिका मीणा, ग्राम न्यायिक विजेंद्र मीणा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया। इसके बाद जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने बाड़ी बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें बार एसोसिएशन बाड़ी के नव निर्वाचित अध्यक्ष जगन लाल, उपाध्यक्ष सुमन प्रकाश कंशाना एवं मनीष कुमार रावत, महासचिव पद पर जितेंद्र सिंह चौहान, सह सचिव जाकिर मेहंदी रिजवी, कोषा अध्यक्ष बच्चू सिंह परमार, पुस्तकालय अध्यक्ष राम अवतार कंशाना एवं बबुआ राम, ऑडिटर रूप सिंह किलेदार एवं पीयूष परमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी नवीन कार्यकारिणी एवं अध्यक्ष को जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष रियाजुद्दीन खां एवं वर्तमान अध्यक्ष जगनलाल एवं महासचिव जितेंद्र सिंह चौहान सहित समस्त कार्यकारिणी ने सभी न्यायिक अधिकारी गणों का माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने कहा कि बाड़ी बार बहुत ही अच्छी बार है। बार और ब्रेंच के संबंध में हमेशा मधुर होने चाहिए, जो मुझे बाड़ी में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि बाड़ी बार में आपसी सामंजस्य का अद्भुत नज़ारा जो देखने को मिलता है वह प्रशंसनीय है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही सीनियर एडवोकेट जानकी प्रसाद की भी प्रशंसा की। MACD जज धौलपुर जाकिर हुसैन एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी सलीम बदर ने भी बार एवं ब्रांच में मधुर संबंधों की बात कही। पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट को निष्पक्ष पैरवी की सलाह भी दी। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि मैं हमेशा वकीलों के साथ खड़ा रहता हूँ, मेरे लायक जो भी काम होता है मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। साथ ही ADJ परिषद बाड़ी में पक्षकारों के लिए टीम सेल एवं महिलाओं एवं पुरुषों के लिए टॉयलेट बनवाने की घोषणा की। पूर्व में न्यायिक परिषद में RO शीतल संयंत्र प्लांट लगाया, उसके लिए निवर्तमान अध्यक्ष रियाजुद्दीन खान ने विधायक मलिंगा को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में ज्यादातर एडवोकेट एवं अन्य सामाजिक लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन निवर्तमान अध्यक्ष रियाजुद्दीन खान ने किया। कार्यक्रम के अंत में बाड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगनलाल द्वारा सभी को साथ लेकर और सभी के सहयोग से कार्य करूंगा और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। 8वीं तक के स्कूल बंद करने पर निजी स्कूल संचालकों ने जताया विरोध। जिला कलेक्टर से की आदेश पर पुनः विचार करने की मांग। कोरोना संक्रमण को देखते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने गुरुवार शाम को 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश जारी किए थे। इसे लेकर आज शुक्रवार को स्कूल क्रांति संघ धौलपुर के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्टर के फैसले पर विरोध जताया है, साथ ही आदेश पर पुनः विचार करने की मांग की है। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि 2 वर्षों से सभी निजी स्कूल कोरोना के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। आपके द्वारा जारी स्कूल बंद करने के आदेश से स्कूल संचालक व कर्मचारी और अभिभावक बहुत ही परेशान हैं। अभी कोरोना वायरस बहुत कम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कहा है कि ना तो राज्य में लॉकडाउन होगा और ना ही विद्यालय को बंद किया जाएगा। धौलपुर जिले में कोरोना वायरस से 30 स्कूल पूरी तरह बंद हो चुके हैं। शेष विद्यालयों की स्थिति भी दयनीय है, इसलिए स्कूलों को बंद करने के आदेश पर पुनः विचार किया जाए और स्कूलों को खोला जाए। जो कल हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने एक आदेश पारित किया है, उसके खिलाफ हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और सभी ने मंत्रणा की है। यहाँ बाड़ी से, बसेड़ी से, धौलपुर ब्लॉक के पूरे लोग एंड बसेड़ी नवाब के हमारे जितने भी टीचर संघ के लोग हैं, कुछ गार्जियंस भी आए हुए हैं, ये बड़े बधाई के पात्र हैं। और कुछ हमारे शिक्षक भाई भी हमारे साथ हैं। हमारी सबकी एक ही पीड़ा है। अभी जयपुर और जोधपुर दो जगह अभी राजस्थान सरकार ने स्कूलों को बंद करने का, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो शायद केसेस जाता है। हमारे यहाँ अभी जिला कलेक्टर महोदय इतने सक्रिय हैं, उनका इतना योगदान है, कभी 0% है धौलपुर में।
और न जाने कैसे आनंद फानंद में एक आदि सर ने निकाला। और हम चाहते हैं कि अभी धौलपुर में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए, और राज्य सरकार भी यही कर रही है कि स्कूलों को अभी चलने दें और बच्चों की पढ़ाई होने दें, क्योंकि पहले से ही 2 साल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है। बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, और इसमें कुछ हमारे जो गार्जियंस हैं, परिवार के लोग हैं, वो अभी बड़े भ्रमित हैं कि शायद कोविड आ गया, इस चक्कर में बंद कर दिया गया है। तो यहाँ हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हम साहब से निवेदन करना चाहते हैं, और शायद मेरे को पूर्ण विश्वास है कि साहब इस पर अमल करेंगे, और शायद जो भी 2-4 दिन का टाइम देंगे उसके बाद स्कूल रीओपन हो जाएंगे। मैं विनोद पटसारिया, जिला प्रभारी स्कूल क्रांति संघ धौलपुर, आज अपने तमाम जिले के साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथियों के साथ मेरी भी ये पीड़ा है कि अभी कोविड के कारण, कोविड को शो करते हुए कलेक्टर साहब ने एक हमें आदेश दिया है कि 1 से 8 तक स्कूल तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएं, और उसके लिए कोई डेट भी निश्चित नहीं की कि कब तक बंद किए जाएं। हमारा मानना ये है कि इस तरह का कोविड का हैंडलिंग देने से गार्जियंस में बड़े भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। गार्जियंस हमें शुल्क नहीं देना चाह रहा, बच्चे स्कूल नहीं आना चाह रहे, वो सोच रहे हैं लॉकडाउन हो गया, पुनः लॉकडाउन हो गया, इसलिए हमें भारी पीड़ा हो रही है। हम पुनः एक बार कलेक्टर साहब से इस पीड़ा को लेकर के उनके साथ उपस्थित हो रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से उन्हें पुनर्विचार के लिए अपना निवेदन दे रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करें, इसको समय सीमा खोलें इसमें कि कितने समय तक हमें स्कूल इसको खोलना है, कब तक इसकी अवकाश रखना है, और कोविड के स्थान पर इसे मौसम खराब या शीतकालीन अवकाश का ऐसा कारण दें, क्योंकि अपने धौलपुर जिले में कोविड का इतना प्रकोप नहीं है, ऊपर से मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय का भी इस तरह का कोई आदेश नहीं है कि नहीं सभी को बंद किया है, उनका कहना है कि स्कूल खुले रहें, तो 2 जिलों को छोड़ करके बाकी सभी स्कूल चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी स्थिति भ्रमित करने वाली हो गई है, इसलिए हम पुनः उनके पास आए हैं अपनी पीड़ा लेकर के। हम चाहते हैं कि मीडिया भी हमारी मदद करे, कलेक्टर साहब भी पुनर्विचार करें, हमारे राजनेता हैं वो भी हमारे साथ न्याय की भावना से काम करें। वसई नवाब में फिर टूटी पक्की नहर की पट्टी, पानी भरने से अन्नदाता की फसल खराब। वसई नवाब में एक बार फिर से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी सामने आई है। भगोरा हेड से निकली माइनर की पक्की पटरी जारौली पुलिया के पास टूटने से किसानों की कई बीघा खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई। शुक्रवार सुबह जैसे ही लोगों को माइनर टूटने की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंच गए और नहर का पानी तेज गति के साथ खेतों में भरता देख उनके होश उड़ गए। तभी किसानों ने नहर टूटने की सूचना सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते नहर का पानी कई घंटों तक खेतों में भरता रहा, जिससे किसानों को फसल में नुकसान की आशंका बनी हुई है। आए दिन टूट रही माइनर की पटरी से खेतों में नुकसान को लेकर बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है, जिससे लोगों में विभाग के अधिकारियों के प्रति काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि भगोरा हेड से निकली माइनर को करीब 2 माह पूर्व ही पक्का निर्माण कार्य करवाया गया था। किसानों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण माइनर का रेगुलेशन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते पटरी टूटने से किसानों के गाढ़े पसीने की कमाई पर पानी फिर रहा है। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं बसीनवाब का रहने वाला हूँ, पीटीआई हूँ जॉब से, और ये नहर 1.5 महीने पहले ही बनी है, इसमें पानी चल रहा है और कल बारिश शुरू हो गई, तो उससे क्या है कि ये एक मैदर टूट गई, भगोरा वाली नहर है ये, और उसमें पोखर में जो फसल खड़ी थी वो सब डूब गई है पूरी। विभाग के अधिकारियों को सूचित करें से बंद हो जाए, इससे अपना ज्यादा नुकसान नहीं हो। सैपो में बाईपास बनने के बाद कस्बे के अंदर की सड़क को भूले जिम्मेदार। 4 किलोमीटर की सड़क बेहद खस्ता हाल में, लोग भारी परेशान। सैपो में बाईपास बनने के बाद लंबे समय से 4 किलोमीटर राजा के नगला से सालेपुर तक की सड़क क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हुई है, जिसका निर्माण नहीं होने के कारण सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जहां जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे लोग भारी परेशान हैं। इसके बारे में कई बार स्थानीय नागरिकों और विभागीय अधिकारियों के अलावा राजनेताओं से भी शिकायत करने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग लंबे समय से समस्या से जूझ रहे हैं। सड़क का निर्माण कराने के लिए कई बार प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए गए हैं,
लेकिन मामला वहीं डाक के तीन पात नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि NH 123 का निर्माण सैपो कस्बे के ऊपर के हिस्सों से बाईपास बनने के बाद राजा के नगला से सालेपुर तक की 4 किलोमीटर की अंदर की सड़क विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते खस्ता हाल पड़ी हुई है, जिससे सड़क के सहारे रहने वाले लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। आए दिन यहां से गुजरने वाले वाहनों से गंदा पानी और कीचड़ उछलता रहता है, वहीं दुपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल होते रहते हैं। हालांकि इस समस्या के बारे में शिकायत करने के बाद भी इस सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण विभागीय अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। मामला सड़क का, सड़क में सारा गड्ढा पड़ रहे हैं, आदमी रोज ना गिर रहे हैं, पटक खा रहे हैं, अच्छी को सुन तो सुना है। अच्छा, मेरा कह चुके, किसी से शिकायत भी की है क्या? कई बार कर दी सा। अच्छा, कितने समय से खराब पड़ी सड़क? तो एक साल रह गई सा, एक साल से गड्ढा पड़ रहे हैं, बड़े भाई होने होने। अच्छा, क्या नाम है अपना? मेरा नाम घनश्याम है। अच्छा, गांव कौन सा है? राजा नगरा। राजा के नगरा लेके था सालेपुर तक रोड तक खराब रही है, बाईपास निकलो तो देखो विकास ना हो जाएगा। कम से कम 3 साल है ये गड्ढे में, चौमास इनमें जड़काले में जो पानी पतवा बहुत परेशानी आवती है, वो सुनवाई ना आ जाएगी। अच्छा, इस बारे में किसी से शिकायत किया क्या? अरे कई बार MLA साहब से कही है, पर कोई सुनवाई ना आ रही जाएगी। अच्छा, क्या नाम है? राम कुमार शर्मा। गाँव? राजा का नगला। अरे साहब, जो हमें गड्ढा है गई है सड़क में और मोटरसाइकिल भाई रोज गिर रही है, 3-4 वर्ष से तब बाईपास निकल रहा तब कोई सुनवाई ना आ रही। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक की सड़क खराब है? अरे जी, बाईपास पे थे राजे नगर आते हो सालेपुर नो खराब ही डरी है, गड्ढा है रे सगम है। अच्छा, किसी अधिकारी से भी शिकायत की है क्या? कई हो मेरे MLA साहब ने कह दई गए करवाएंगे करवाएंगे, कोई ना सुन लो। अच्छा, एक आध दो बार मरम डली इसमें? हाँ, मरम डरी आज अभी तो गड्ढा है जाते हैं मरम्मत का। क्या नाम है अपना? राम निवास। निवासी सैपऊ। हमारे सैपऊ कस्बे में जो हाईवे निकल चुका है सालेपुर से लेकर रायगा तक, उसके जो अंदर की सड़क है वह काफी समय से खराब डली हुई है। उसका किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों का उस ओर कोई ध्यान नहीं है और भाजपा पदाधिकारियों एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है, लेकिन इस विषय का कोई भी आज तक निराकरण नहीं किया गया है। तो मैं राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क का जल्द से जल्द निदान किया जाए। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर शोरूम, मिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से कोठी धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल, एंड्रॉयड TV भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर भाजपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा के नेतृत्व में गांधी पार्क धौलपुर में पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक को कुत्सित मानसिकता से ग्रसित और दुर्भावनापूर्ण बताया। आक्रोशित जिले के भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ पंजाब सरकार के संरक्षण में हुआ वह पंजाब में व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का उदाहरण है। जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार का शर्मनाक कृत्य है। प्रधानमंत्री पंजाब के कल्याण के लिए हजारों करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ करने वहाँ जा रहे थे। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र गुड़िया ने बताया कि देश की करोड़ों जनता का आशीर्वाद और स्नेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, जिसकी बदौलत आज उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वह निंदनीय है, ऐसी घटना देश में पहले कभी नहीं हुई है।
जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जवाबदेही चन्नी सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मोदी की लोकप्रियता से कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार नफरत से इतना भर गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में भी नहीं चूक रहे। यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। इस दौरान पूर्व जिला मीडिया प्रभारी विजय त्यागी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा शकील खान छावनी, अनीश खान, नंद किशोर शुक्ला, अजीम खान, ईशु कांत सक्सेना, अनिल राजपूत युवा, रितेश सक्सेना, राहुल बघेल, रोहित शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पत्नी की मौत, पति घायल। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को महाराजपुरा बाईपास मोड़ के पास बाइक सवार दंपत्ति की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौत हो गई तथा पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक रूपवास तहसील के गांव जारौली निवासी व हाल निवासी कोलारी का रहने वाला रमेश लोधा अपनी पत्नी लक्ष्मी को बाइक पर बिठाकर घरेलू काम से धौलपुर आ रहा था। बाइक सवार जैसे ही आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराजपुरा धौलपुर के पास पहुंचा तो बाइक को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दंपत्ति बाइक सहित सड़क पर गिर गया। दुर्घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने करीब 35 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया। वहीं पति का इलाज किया जा रहा है। घटना की खबर जैसे ही परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। दुर्घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जिसने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। मेरे जीजाजी और मेरी बहन जी कोलारी से धौलपुर के लिए कुछ घरेलू काम से धौलपुर के लिए आ रही थी। रास्ते में महाराजपुरा पुल से पहले हाईवे पर पीछे से गाड़ी ने आके साइड में कट दिया, इससे बाइक साइड के लिए चली गई और एक्सीडेंट की तरह गिर पड़ी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर राजाखेड़ा एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर शुक्रवार को उपखंड स्तरीय बैठक ली, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में एसडीएम ने अधिकारियों को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण पर जोर देने की बात कही एवं क्षेत्र में मास्क लगाने के आदेश जारी किए। साथ ही बैठक में सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कस्बे में नो मास्क नो एंट्री पर जोर दिया जाए, आवश्यक कोरोना की गाइडलाइन की प्रभावी ढंग से पालना कराई जाए। सरमथरा एसडीएम ने ली अधिकारियों की मीटिंग, दिए दिशा निर्देश। उपखंड कार्यालय सरमथरा में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को कोविड 19 के नियमों का पालन कराने, वैक्सीनेशन को बढ़ाने, मास्क जागरूकता, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्थाओं से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान एसडीएम मनीष कुमार जाटव ने कहा कि ओमिक्रोन एवं कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरमथरा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा को सैंपलिंग बढ़ाने एवं हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सहित 100% वैक्सीनेशन करवाने के लिए निर्देशित किया। थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम को बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना एवं शिकंजा कसने, नगर पालिका कर्मियों को लोगों को मास्क लगाने एवं कोविड नियमों का पालन करवाने को लेकर आमजन एवं व्यापारी वर्ग को जागरूक करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोविड नियमों की पालना न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने की बात कही। इस दौरान तहसीलदार राजकुमार शर्मा, थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध।
कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने, एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा, पीजी डीवाईटी और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने, एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें पीजीडीसीए कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में बीसीए, बीएससी मैथ एवं बायो, बीए, बीकॉम में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित एसी प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता एसएन कॉलेज ऑफ साइंस 220 केवी जीएसएस के पास, बाड़ी रोड धौलपुर। जिला उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच का धौलपुर में किया गया गठन। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच एवं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग ने धौलपुर में जिला उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच का नवीन गठन किया, जिसमें धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति की सरमथरा में आयोजित आम सभा में वीरेंद्र कुमार गोयल सरमथरा को जिला अध्यक्ष एवं अखिलेश गोयल धौलपुर को जिला महामंत्री व अशोक कुमार गोयल बाड़ी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को पगड़ी व माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया। साथ ही सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए आप सदैव तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी कार्यकारिणी गठित कर आगामी कार्य योजना बनाएं। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए नव नियुक्त पदाधिकारियों से आशा व्यक्त की कि वे छोटे बड़े सभी व्यापारी दुकानदार भाइयों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उपस्थित सभी अग्रबंधुओं ने वीरेंद्र गोयल व अखिलेश गोयल को माला पहनाकर स्वागत किया व बधाई दी। जिला स्तरीय शोधार्थियों की बैठक का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय शोध के लिए किए जाने वाले क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रधानाचार्य डाइट धौलपुर महेश कुमार मंगल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन डाइट में किया गया, जिसमें गठित दलों द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान कार्य किए जाने के लिए दल गठित किए और उन्हें शोध के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ व्याख्याता डाइट अलका शर्मा, अनिल शर्मा, नरेंद्र शर्मा, रणवीर सिंह छोंकर, प्रधानाचार्य उमेश शर्मा, वैद प्रकाश करदम एवं अन्य संभागी भगवान सिंह मीणा, जय सिंह सिकरवार, अरुण तिवारी, अतुल चौहान सहित अन्य मौजूद रहे। सैंपऊ में बच्चों के किया गया कोरोना टीकाकरण। बच्चों में दिखा भारी उत्साह। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को बच्चों के लिए अधिक गंभीर मानते हुए सरकार द्वारा 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करा दिया गया है। इसे लेकर शुक्रवार को सैंपऊ कस्बे के धौलपुर मार्ग पर चिकित्सा विभाग की टीम ने पीवीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन किया। विद्यालय के प्रबंधक राजीव सिंह परमार ने बताया कि कोरोना टीकाकरण से बच्चे डरे नहीं और टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण से ही इस महामारी से बचा जा सकता है। साथ ही बच्चों के अलावा अभिभावक भी सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करें और मास्क लगाकर रहें तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। आज हमारे स्कूल में टीका लगाए 15 से 18 साल तक के बच्चों के ये लगाए और इससे कोई डरे नहीं। काय का टीका लगाए? ये कोरोना का। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में हूँ। नाम क्या है? उदय तिवारी। कमला मैडम, चिकित्सा विभाग की तरफ से जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है ना, स्कूलों के बच्चों के लिए 15 से 16 17 साल के वर्ष के बच्चों के कोरोना के टीका लगाए जा रहे हैं। पीवीएम स्कूल में अधिक से अधिक बच्चों की संख्या में टीका लग चुके हैं और भी लग जाएंगे। मैडम सदामा शर्मा। की तीसरी लहर चल रही है जिससे हमारी विद्यालय में टीकाकरण हो रहा है। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के टीकाकरण हो रहा है और मैंने भी आज वैक्सीन लगवाई है, इससे घबराएं नहीं। क्या नाम है? प्रबल। किस स्कूल में पढ़ते हो? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय। वैक्सीनेशन का क्या चल रहा है सर? आज जो अपना विद्यालय उसमें कोविड-19 राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनका टीकाकरण स्थानीय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके द्वारा संपन्न कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत अभी तक 50 से अधिक
जो विद्यार्थी हैं वो टीका ले चुके हैं। अच्छा, अपना शुभ नाम क्या सर? मैं विद्यालय प्रबंधक राजवीर सिंह परमार। नादनपुर में वरिष्ठ अध्यापक का सेवानिवृत्ति पर किया गया सम्मान समारोह। बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादनपुर में वरिष्ठ अध्यापक राम भरोसी शर्मा का सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। कल्लापुरा निवासी राम भरोसी शर्मा राजकीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादनपुर में वरिष्ठ अध्यापक राम भरोसी शर्मा के सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह के आयोजन पर विद्यालय स्टाफ सहित ग्रामीणों ने माला व साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम भरोसी शर्मा, विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यापक बैजनाथ शर्मा रहे। समारोह में वक्ताओं ने शर्मा के व्यक्तित्व एवं कार्य कुशलता की जमकर सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि शर्मा स्कूली बच्चों के प्रति हमेशा गंभीर रहते थे और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा पर बल देने के लिए अभिभावकों को भी प्रेरित करते रहते थे। विदाई समारोह के इस मौके पर नादनपुर विद्यालय के पूर्व व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रामचरण मीणा, भगवान सिंह रावत, किशोर स्वामी, राम गोपाल, रामदास, कल्याण मीणा, हुकम सिंह, नितेश, रमेश, सतीश शर्मा, दिनेश शर्मा पत्रकार, परिवारी जन, श्रीचंद्र शर्मा, परसोत्तम, गंगा प्रसाद शर्मा, मनोज, पुष्पेंद्र, बच्चू शर्मा लीलोठी, देवराज, अवधेश, विपिन, संदीप, गुड्डू, आशा राम, दीपक गोस्वामी, सचिन पाराशर सहित स्कूल के बच्चे व ग्रामीण मौजूद रहे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG वह त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर, कॉलोनी धौलपुर। गर्ल्स स्कूल धौलपुर में 287 बालिकाओं को किया साइकिलों का वितरण। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में 8वीं पास बालिकाओं को शुक्रवार को साइकिलों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बताया कि विद्यालय में 287 पात्र बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया। यह साइकिल शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 8वीं उत्तीर्ण बालिकाओं को दी जा रही है। प्रधानाचार्य ने बताया कि अगर बच्चे अच्छी स्टडी करते हैं तो इनको आगे भी लैपटॉप स्कूटी भी वितरित की जाएगी। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ के व्याख्याता सतीश कुमार मीना, मुकेश नगाइच, वरिष्ठ अध्यापक मनोज कुमार झा, वीर सिंह टांग, शैलेंद्र दीक्षित, मधु जैन, अध्यापक प्रवीण कुमार सहित विद्यालय स्टाफ व अभिभावक गण मौजूद रहे। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशन सिंह, क्लर्क देव प्रकाश धाकरे, पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी ने बच्चों को सरकार की आगामी योजनाएं बताकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। स्कूल में छात्र छात्राओं को किया गया गर्म स्वेटर व टोपा का वितरण। मनिया इलाके की ग्राम पंचायत टांडा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरावट में गर्म स्वेटर व टोपा का वितरण भामाशाह अध्यापक नीलम मीणा द्वारा बांटे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच धर्मेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य धनवंती खत्री रहे, जिन्होंने बालक और बालिकाओं को स्वेटर व टोपा का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य ने समझाते हुए कहा कि कोरोना की लहर आ चुकी है, घर में रहें और घर बैठकर पढ़ाई करें। इस दौरान स्कूल स्टाफ रमेश चंद्र, जितेंद्र प्रधानाध्यापक, कविता कुमारी, बॉबी कोहली, हेमलता, सीमा मीना, दिनेश चंद्र वर्मा, पंकज बाबू, अजमेर सिंह त्यागी, विशंबर सिंह, सत्यप्रकाश, वार्ड पंच नौवत सिंह, प्रेम सिंह आदि मौजूद रहे। दिनांक 7/1/2022 दिन शुक्रवार, ग्राम पंचायत टाड़ा, ग्राम बरावट में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरावट में नीलम मीणा जी ने गरम सूत्र एवं टोपा का भेंट किया। हमारे ग्राम पंचायत टाड़ा एवं ग्राम बरावट वाले बच्चों को बहुत बड़ी सर्दियों की राहत मिली एवं हमको वहां पर बांटने का मौका मिला। मुख्य अतिथि रूप में, पृष्ठ अतिथि रूप में धनवंती खत्री जी को मौका मिला। शिक्षकों ने स्वयं भामसा बनकर छात्राओं को बांटी जर्सी।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथरा में शिक्षकों ने स्वयं भामाशाह बनकर 600 से अधिक छात्राओं को ऊनी वस्त्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नारायण सिंह मीणा ने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है और छात्राओं में अनुशासन और मनोबल बढ़ता है। इस दौरान शिक्षक आशु अग्रवाल, ममता देवी, वीना मीणा, रामेश्वर दयाल मीणा, सुभाष चंद्र गर्ग, बाबूलाल, देवेंद्र सिंह मीणा, राजू सेन आदि मौजूद रहे। मेरा नाम रूपा खाना है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में प्रति वर्ष निःशुल्क जर्सी वितरित की जाती है सर्दी से बचने के लिए सभी बालिकाओं के लिए, और आइडेंटिटी कार्ड हमारी पहचान के लिए भी बनाए जाते हैं। इसमें पूरे विद्यालय परिवार का विशेष योगदान रहता है और हम अब तहे दिल से विद्यालय परिवार को धन्यवाद करना चाहते हैं।